Hey guys, ये देख लो, हम विशाखापट्टनम टू रायपुर NH में अभी बन रहा है दोस्तों। अराउंड 5-1 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाएंगे, देखेंगे कि उधर कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, ये देख पा रहे हो रोलर चल रहा है और यहाँ पर भी जो टैग में लिखा हुआ है डेंजर, खतरा, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको क्रॉस मत करना बोल के लिखा गया है। लेकिन साइड साइड हो करके स्ट्रेट तक जाएंगे गाइस 5-6 किलोमीटर, और वहाँ देखेंगे कि कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। ये अधिकारीगुड़ा उमरकोट पास का है दोस्तों, और इस तरफ सिर्फ मिट्टी डाला गया है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। बीच में एक ब्रिज बना है, लेकिन मिट्टी डालना पड़ेगा एक लेवल तक, और इधर जा करके देखते हैं। वो हमारी फ्रेंड्स हैं और वो ही इधर आएंगे। ये डेंजर लाइन लिखा हुआ है, इधर मत आइएगा। हम वीडियो बना रहा है। और ये लड़के लोग उधर तक गए थे, बताइएगा कि वहां कहाँ तक वो देख कंप्लीट सकते हुआ है। और एक हीरो हमारा हो है, छोटू आ जा रहे, किधर आ जा रहे, किधर जा रहे, सब के सब इधर ही छे। किधर जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है नहीं तू, नहीं कंप्यूटर कंप्यूटर क्लास जा रहा है। ये डेंजर मार्क है दोस्तों, इसके आगे नहीं जा सकते, एक साइड होकर के हमें जाना है। तो जाएंगे अराउंड 5 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाएंगे और देखेंगे कि उधर कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। और इसका जो मटेरियल है, ये इसको कंक्रीट ही बोलते हैं, विटामिन टाइप का कुछ तो है, जल्दी सूख रहा है ये। इसमें क्या पता नहीं यार, क्या क्या मिक्सअप हुआ है, मुझे तो नहीं पता इसके टेक्निकलिज्म, मैकेनिज्म, और बहुत स्टिकी लग रहा है, मतलब जल्दी से चिपक जाएगा और जल्दी से सूख जाएगा। और वो बंदा अंदर जा रहा है, डेंजर मार्क नहीं दिख रहा है तेरे को, अंदर घुसता चला जा रहा है तू। हाई, बहुत हार्ड है ये, देख पा रहे ना दोस्तों, इसका मटेरियल जो है कंक्रीट, इसको विटामिन कुछ बोलते हैं। ये इतना गर्म, इतना गर्म, अभी अभी इसको रोल कर रहा है ना, गर्म गर्म है। वाह, कितना चिकना लग रहा है भाई, आर ऊपर आर देवे पर लागे छे इसके ऊपर। हाँ, कितना अमेजिंग है। चलिए आगे तक जाते हैं दोस्तों। ये देख पा रहे हैं ना, ये जो मटेरियल है, अभी स्मेल इतना अच्छा आ रहा है कि इसको खा जाए यार। ये जो एक्सप्रेस वे है ना, रायपुर टू विशाखापट्टनम, इसका जो टोटल लेंथ है वो 464 किलोमीटर्स का है गैस। 6 लाइन वाइड एक्सप्रेस वे है जो कि 3 स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है, यू नो, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश को। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर phase 1 में आता है। ये जो एक्सप्रेस वे रूट है ना, छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर्स, ओडिशा में 240 किलोमीटर्स एंड आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर्स कवर अप करता है दोस्तों। बजट है 20,000 करोड़, 20,000 बिलियन दोस्तों, 6 लेन का है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है गैस, वो कुंदई रायपुर टू विशाखापट्टनम पोर्ट में कनेक्ट हो रहा है। इसका जो डेडलाइन है ना दोस्तों, 2026 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा बोल रहे हैं गैस, यू नो। इसका जो ओनर है वो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से इतना फास्ट काम हो रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होने वाली है दोस्तों। बराबर नाप जोख के दे, ये मटेरियल इतना स्टिकी है, पूरा चिपक जा रहा है।
अगर ये हीटेड नहीं होता, गर्म नहीं होता तो फिर निकल जाता ना। वाह, ये तो KGF मूवी की यास भाई जैसे दिख रहे हैं। वो देंगे, निकालेंगे खजाना। अगर हमें मैन्युअली NH बनाना होता तो कितने साल लगते दोस्तों? मे बी सेंचुरीज, ठीक है, डेकेड्स की छोड़ो, 20 साल की छोड़ो, 30 साल की छोड़ो, सेंचुरी 100 साल लग जाते हैं 464 किलोमीटर का NH बनाने में। लेकिन मशीन्स दिन रात काम कर, ठीक है, इस वजह से कितना जल्दी इतना फास्ट काम हो रहा है, मतलब 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट, यू नो 2025 इसका डेडलाइन है, 20,000 करोड़ का रास्ता 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। देख पा रहे हैं ये ऑपरेटर शायद, सो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। कुछ कुछ जगहों पे मिट्टी भी नहीं डाले क्योंकि अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, एक ही कॉन्ट्रैक्टर होता तो नहीं, एक साइड से बना बना करके लेते, लेकिन अलग अलग 19 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के, जो कि हर कॉन्ट्रैक्टर को कुछ कुछ किलोमीटर्स की डिस्टेंस का टेंडर दिया गया है। को भी पुश कर रहा है, देख, हाँ वो खुद पुश कर रहा है ना।
गाड़ी से गर्म होके आता है, इधर ही होता है गर्म, गर्म होके आता है प्लांट से ही गर्म होके आता है। बहुत हीट है, बहुत ज़्यादा, ये भी हीट देता है, ये भी हीट देता है। Techniques and ये जो NH है ना दोस्तों एक्सप्रेसवे, ये NH-30 एंड NH-130C के बीच में होकर के जा रहा है। छत्तीसगढ़ साउथर्न डिस्ट्रिक्ट, चार डिस्ट्रिक्ट के अंदर होकर जा रहा है, कवर अप कर रहा है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट, धमतरी डिस्ट्रिक्ट, कांकेर डिस्ट्रिक्ट, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा में सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट को कवर अप कर रहा है जो NH से कनेक्टेड है, ठीक है ना। NGP मतलब नवरंगपुर, सुनाबेड़ा, रायगढ़, उमरकोट, डाबूगांव, पापड़ांडी, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है ना, कोटपाड़, गोड़गुड़ा, बोरीगुमा, सुनाबेड़ा होके जा रहा है। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को कवर अप कर रहा है गैस, जो कि हमारे NH-26 कनेक्टेड है, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें सालूर आता है, गजपत नगर आता है, विजयनगरम सबाबरम, आनंदपुरम और SH-9 में इसका अंत हो रहा है। ओके ना, चलिए दोस्तों कुछ डिस्टेंस में जा करके देखते हैं उधर का हालत क्या है, क्या उधर कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी, 4-5 किलोमीटर आगे जा करके देखते हैं गैस।
देख पा रहे हैं ये बोरंडी है और पीछे हथिकारी गुड़ा है उमरकोट पास का। और यहाँ तो ऑलरेडी हो चुका है, बस डिवाइडर डाल के लाइन खींच देने का है दोस्तों। यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है, इंटरेस्टिंग। आई थिंक यहाँ फ्लाईओवर होगा क्योंकि नीचे एक रास्ता भी है, नहीं तो नहीं हो सकता गाइस। ठीक है, ये बीच में जो रास्ता आ रहा है बोरंडी अधिगरगुड़ा को कनेक्ट कर रहा है, इसके लिए वो नीचे वो फ्लाईओवर टाइप का अंडरपास कर देंगे। और इधर मिट्टी डाल रहे हैं वो ब्रिज के लेवल लाने के लिए। मुझे तो खांसी हो रही है। और ये देख पा रहे हूँ ये बड़े बड़े गाड़ियों में मिट्टी है, ले रहे हैं गड्ढे गड्ढे में डालने के लिए। और चलिए जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाड़ियाँ। ओहो ओहो, आगे तक चलते हैं। जाएंगे पूरा लास्ट तक जाएंगे, चल। लग रहा है वो हमें तो क्या अमेजिंग है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हम स्पेस में आ गए हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा ठंड है फिर भी घमंड है। और थोड़ा विश्व को डर लग रहा है, फट रहा है इसको, यही तो चैलेंज है रे। सो देख लिया ना दोस्तों, हम ऑलमोस्ट वहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस तक आके बस ऐसी बना हुआ है, बीच बीच में मिट्टी डाल रहे हैं। ठीक है, सो 2 साल के अंदर अंदर टोटल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। देखने में तो बहुत अमेजिंग लग रहा है रोड यार। सो चलिए, एनएच के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए और एक वीडियो है मैंने अपलोड करी है, वो वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर कहीं ऊपर नीचे कहीं तो मिल जाएगा। ऑब्वियसली यू गो हार्ड एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस, अब हम जा रहे हैं, बहुत ठंड है एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, और भी वीडियोज़ है वॉच कर लेना एंड तुम लोग बोल देना हाय बाय टाटा गुड नाइट गया।
खत्म, टाटा बाय बाय। राहुल गांधी है का नहीं।